now. तो आज हम बात करने वाले हैं आयरनमैन के बनाए मार्क 45 के बारे में। तो मार्क 45 टोनी का बनाया 45th आर्मर, जिसे टोनी ने यूज़ किया एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। मार्क 45 गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना है, जिसकी कलर थीम डार्क रेड और गोल्डन थी। और इसमें जार्विस नहीं बल्कि फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, क्योंकि जार्विस को टोनी ने विजन के अंदर अपलोड कर दिया था। मार्क 45 में थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से टोनी स्टार्क ने एक शील्ड हेलीकैरियर के एक हिस्से को उठा लिया था। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से यह आर्मर बुलेट प्रूफ, लाइटनिंग प्रूफ और लेजर प्रूफ था, जो पानी में और हाई एटमॉस्फेयर में टोनी को जिंदा रख सकता है, वो भी तब जब हवा में ऑक्सीजन लेवल कम हो। मार्क 45 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ एक घंटे में। और इसमें रिपल्सर थे, जिसके एक ब्लास्ट में अल्ट्रॉन का एक रोबोट डिस्ट्रॉय हो रहा था, और इन्हीं रिपल्सर ने अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम बॉडी को पिघला दिया था। और प्लाज्मा लेजर भी थी, जिसे ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला। और क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी का मिशन सिर्फ लोगों को बचाना और सिटी को डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए हमें मार्क 45 के सारे फीचर देखने नहीं मिले। लेकिन बैटल ऑफ सुकोविया में फ्राइडे का बहुत बड़ा रोल था। फ्राइडे, जो कि जार्विस के रिप्लेसमेंट है, वो टोनी को हर एक एवेंजर की पोजीशन, उनके तरफ आने वाले एनिमीज और विजन की हर एक एक्शन के बारे में बताती है। फ्राइडे ने ही टोनी को बताया था कि अल्ट्रॉन की मशीन में वाइब्रेनियम है, और अगर इसे बंद करने की कोशिश की तो पूरा सुकोविया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फ्राइडे को ये तक पता था कि थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ किस लेवल की है। जब टोनी ने फ्राइडे से पूछा कि क्या हो अगर थॉर उस वाइब्रेनियम को हिट करे, लेकिन फ्राइडे ने कह दिया कि थॉर के हिट से उस पोल पर सिर्फ एक क्रैक हो जाएगा। इसलिए आयरन मैन उस पोल के दूसरे हिस्से को अपने यूनि बीम से सील कर देता है, और जब थॉर अपना हैमर उस मशीन पर मारता है तब उस पोल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इसके बाद हमें मार्क 45 देखने नहीं मिला, क्योंकि सिविल वॉर में टोनी ने मार्क 46 यूज़ किया था, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको यह आर्मर कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।